अब सब बोलेंगे पिक्चर ऑफ द डे। बाबर आजम भी आउट हो गए, जबकि हमें उम्मीदें थी कि बाबर भाई आप नेदरलैंड के खिलाफ तो कम से कम 50 तो मारोगे यार। नेदरलैंड के बहुत से तुम लोगों को ये लग रहा था कि पाकिस्तान नेदरलैंड से हार जाएगा, तुम लोगों ने अपनी टीम पे शक किया, तुम लोग सही थे। कि मैं भी था ऐसा कि ऐसे कंडीशंस में और ऐसे मामलात में जब आपकी टीम के 40 पे 3 आउट हो जाए तो भैया लगता है, और ऐसी पिचेस पे जहाँ पे तबाही तुन बैटिंग पिच है, और आज की बैटिंग पिच लग नहीं रही थी वैसे, मतलब विकेट विकेट जो गिराई है नेदरलैंड ने, लेकिन कोई भी हुआ जैसा भी हुआ बेहतरीन कमबैक करके दिया हमें सऊद शकील और रिजवान ने, दोनों ने 65+ मारे और फिर जल्दी आउट भी हो गए, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा कमबैक मिला। और उसके बाद फिर नवाज़ भाई ने, नवाज़ तो मेरा मैच विनर है, बहुत कम इनिंग, छोटी इनिंग खेली, 39 रन बनाए उन्होंने, लेकिन जैसा भी खेला वो भी बहुत सपोर्टिव रहा, और जैते तैसे मरते मराते, लेकिन इनसे 50 ओवर भी नहीं खेले गए यार, पूरे 50 ओवर ही खेल लेते। मैं तो पोज भी बाल दिया था कि भाई कम से कम 300 बना लेना, लेकिन 300 नहीं बने, 280 बन गए, ठीक है राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। लेकिन जो भी हुआ जैसा भी हुआ पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक किया, वरना भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती अगर हम नैदरलैंड से हार जाते, और मामला भी कुछ पेचीदा हो गए थे, पहले फ़कर जमान, फिर इमाम उल हक, फिर उसके बाद आपका बाबर आजम भी आउट हो गए, जबकि हमें उम्मीदें थी कि बाबर भाई आप नैदरलैंड के खिलाफ तो कम से कम 50 तो मारोगे यार, इतना जल्दी आउट हो गए। लेकिन अब बिग थैंक्स टू रिजवान एंड सऊद शकील, उन्होंने बैटिंग संभाली अच्छा, उन्होंने कमबैक कराया, और जैसे तैसे 49 ओवर्स में पाकिस्तान ने बनाए 286, और जवाब में नेदरलैंड ने एक बेहतरीन स्टार्ट किया, उन्होंने दिखा दिया कि वाई दे आर इन द वर्ल्ड कप। बेहतरीन कवर ड्राइव्स मारे उन्होंने शाहीन शाफीदी को और हसन अली को, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप एक को रोक लो, दो को रोक लो, लेकिन तीसरे चौथे को कैसे रोकोगे। तो भाई उस वक्त आ गए हमारे फास्ट पेसर रॉकेट गाय हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ ने बेहतरीन विकेट निकालने के साथ ही साथ दिखा दिया कि भैया वो एक बेहतरीन बॉलर हैं। 3 विकेट 43 रन देकर 9 ओवरों के अंदर हारिस रऊफ ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मैच में दी। उसके बाद फिर हसन अली ने भी 2 विकेट देकर 33 रन 7 ओवरों के अंदर, एंड देन इफ्तिकार भाई 16 रन 3 ओवरों में और 1 विकेट इफ्तिकार भाई ने निकाली, भी शैजी ने भी निकाल ली। तो जैसे तैसे एक एक करके फिर वो लाइन लग गई नेदरलैंड की, एंड फाइनली वी हैव वॉन आवर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गेम ऑफ दिस सीजन, और 205 पे पूरी टीम को हमने उखाड़ दिया 41 ओवर्स के अंदर। अब इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू एज अ फैन, इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं, आई होप कि वो नेक्स्ट मैचेस में ना हो, क्योंकि नेक्स्ट मैचेस जो है वो नेदरलैंड के खिलाफ नहीं है, वो श्रीलंका है, उसका फिर इंडिया द बिग 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 सो कॉल्ड फाइनल। तो आई होप कि वहाँ पे उस मैचेस के अंदर जो है ओपनर्स परफॉर्म करें, बाबर आजम परफॉर्म करें, क्योंकि ये वो नाम है कि हम एज अ फैन चाहते हैं, इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट, ओपनर जब तक अच्छा स्टार्ट नहीं देंगे तो भाई 280 270 ही बनेंगे, एंड लेट्स बी रियल गाइस, इंडिया के ग्राउंड्स में, इंडिया के पिचेस में 280 270 रन कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट 300 350 आपने बनाने ही बनाने हैं इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट। और इफ़ यू आर बॉलिंग डिफेंड कर रहे हो तो भैया पूरी कोशिश करो कि शुरू के 10 ओवरों के अंदर 2 से 3 विकेट निकालूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो बात नहीं आ रही है इन पिचेस के अंदर, वो जो पहले तो स्विंग मिल रहा था, बॉल बीट हो रही थी, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। आई विश कि वो बात जो है, जो सो कॉल्ड शाहीन शाह अफरीदी की पहले ओवर में विकेट निकालने वाली बात है, वो नेक्स्ट ओवर में हो। तो सो फार वी हैव वॉन आवर फर्स्ट गेम, अब चलते हैं देखते हैं ग्रुप में आप लोग क्या कह रहे हैं, मज़े मज़े की मीम्स वेटिंग, और लेट्स सी क्या होता है। बैंग, हारिस रऊफ की विकेट है, जो कि मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट क्लेम, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर बाय द पेसर हारिस रऊफ, लेग स्टंप उखाड़ के बाहर फेंक दी थी, और बड़ा अच्छा ताकड़ा लगा था इन दोनों का। हारिस भाई ने बाउंसर कराई थी और ये कह रहे थे बेटा बॉलिंग कराओ, हम बैटिंग में खड़े हैं, थोड़ा सा मुँह मारी हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई बॉलर से पंगा नहीं, ऐसे बॉलर से पंगा नहीं, हारिस भाई ने दिखा दिया, लेग स्टंप उड़ते हुए गई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। साउथ प्लेयर ऑफ द मैच ऑन वर्ल्ड कप डेब्यू, यस व्हाट एन इनिंग्स, बहुत ही अच्छी इनिंग्स, और मैं पूरे हक में हूँ इस बॉय के। मैं बड़ा खुश हुआ था जब PCB ने जो है इन भाई साहब की नेट प्रैक्टिस की जो है वीडियो डाली थी, ट्रेनिंग की वीडियो डाली थी, मैं बड़ा खुश हुआ था कि फाइनली सऊद शकील खेल रहा है और इसको टीम में होना चाहिए। सऊद शकील इज़ फा 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 बेटर देन लॉट्स ऑफ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और बहुत ही क्लासी प्लेयर है। मोमेंट ऑफ द मैच, अच्छा भाई ये वो मोमेंट है जब बाबर भाई ने ऐसे किया था, ये मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम, तो बाबर भाई ने यूँ किया था और पूरा इंडिया क्राउड, और उसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान का क्राउड भी होगा, तो जो पाकिस्तान फैंस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो वो सब बाबर 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 कह रहे थे। तो भाई ये जो फैन डम है ना बाबर भाई का क्रेज़ है, और ये पूरी दुनिया में है और इंडिया में भी है, तो बड़ा अच्छा लगा इसको देख के एज अ फैन। अब सब बोलेंगे पिक्चर ऑफ द डे, इमाम भाई किसिंग नवाज,
ये भाईचारा प्यार है, ये गलत मत समझे आप. डोंट एवर डेयर टू अब्यूज माई स्पीड गन अगेन. यप, वो लास्ट वार्म अप मैच में 97 दे दी थे, ठीक है. लेकिन यार मैं ये बोलूंगा कि ये नेदरलैंड थी यार, थोड़ा सा श्रीलंका वाला मैच देख लेते हैं, इंडिया वाला मैच देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा देखते हैं कि हारिस भाई की परफॉर्मेंस क्या है. क्योंकि हारिस भाई की परफॉर्मेंस ऐसी होती है, एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर अगले में वो 50 रन दे देते हैं. तो होप फॉर द बेस्ट. नेदरलैंड्स को भी क्या मारा है इस दफ़ा वर्ल्ड कप, हमारा है इंशाल्लाह, पूरी दुआएं तो यही है. लेकिन आई थिंक अभी बोलना ये ज़रा कुछ ज़्यादा, हम लोग आउट ऑफ द सर्कल चले गए, 4-5 मैच जीते तो उसके बाद बोल लेना. फाइनली बच गए नेदरलैंड के बहुत से नेदरलैंड के मौजे, बाल बाल बच गए भाई, बाल बाल. क्या दिन आ गए हैं, नेदरलैंड से भी जीत कर सेलिब्रेट करना पड़ रहा है. अबे यार अस भाई अस, सच्चाई ये देखो जो बात है सच्चाई तो है ये. पाकिस्तान के ऐसे दिन आ गए कि यार, लेकिन देखो वर्ल्ड कप में यार मैं बोलता हूँ छोटी छोटी टीमें भी खेल जाती हैं यार. इसी नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप उसको बाहर निकाला है, आपका जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को, तो डरना तो बनता है यार. हारिस रऊफ ही भरे हुए हैं पूरे ग्रुप के अंदर भाई. मैच विनर गॉट द बिग फिश, या बहुत बड़ी विकेट थी ये और बहुत ही अच्छी बॉल कराई थी नवाज ने, वेल डन नवाज. इंडियन क्राउड सपोर्टिंग नेदरलैंड्स एंड द सेम टाइम व्हेन हारिस रऊफ केम टू बॉल दे चैंट हारिस हारिस हारिस. ये सब दोगलापन अच्छे, ये सब दोगलापन है. सपोर्ट करना है तो एक टीम को सपोर्ट करो ना, यही का दोनों को सपोर्ट कर. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 144 विक्रम सिंह ने बहुत अच्छा खेला भाई, 50 in 65, बहुत अच्छी. और ये बहुत बड़ी विकेट थी, जब ये आउट होते बड़ा खुश हुआ था मैं कि चलो यार, क्योंकि यार देखो रन्स आर नॉट देयर एज कम्पेयर टू पिचेस एंड ग्राउंड. लेकिन वो होता है ना कि एक पार्टनरशिप ना बननी चाहिए, वो पार्टनरशिप अगर बन जाती ना तो फिर डिफिकल्ट हो जाता हमारे बॉलर्स के. लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स वंस अगेन दे प्रूव व्हाई दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और अब लोग बोल रहे हैं कि नेदरलैंड है, खुशियां मना रहे हो भाई. नेदरलैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोई भी सो कॉल्ड छोटी टीम है, हम खुशी मनाएंगे. और ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में भाई छोटी छोटी टीमों से भी जीतना बहुत बड़ी बात होती है. पॉइंट्स मिल गया ना, पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, बस सही है. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम में देखेंगे क्या होता है श्रीलंका के खिलाफ. सो गाइस इज द मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू ऑफ टुडेज गेम, पाकिस्तान वर्सेज नेदरलैंड. अच्छा गेम, मैं से ये नहीं बोलूंगा कि वन साइडेड गेम हम जीते हैं, लेकिन 80 रन से हम जीते हैं, ठीक है. एग्जैक्ट रन मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे भी है आई थिंक 80 रन से जीतना भी बहुत बड़ी बात है. और वर्ल्ड कप में प्रेशर होता है, नेक्स्ट गेम अगेन श्रीलंका, बिग टीम, एशिया कप ने उसने बता दिया था. और मैं पूरा भरोसा है मुझे कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा उसके खिलाफ भी. सऊद शकील को प्लीज़ इस टीम से ना निकालें, सऊद शकील बेस्ट है मिडल ऑर्डर के लिए. ओवरऑल आई होप कि ओपनर्स परफॉर्म करें. वंस अगेन बाबर भाई प्लीज़ बैटिंग देखनी है आपको, आपकी हमें बैटिंग देखनी है. गौतम गंभीर ने कहा था आप 5 से 4 सेंचुरियाँ मारोगे, कब आ रही है सेंचुरियाँ, वो सेंचुरियाँ कर दें आप, ठीक है जी. ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, पीस.